नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज रविकांत भट्टाचार्य के साथ। तो आज की खबर कुछ इस प्रकार है। कामा विवाद में फोन पर 3 तलाक का दूसरा मामला आया सामने। पुलिस मामला दर्ज कर जुटी जांच में। कामा क्षेत्र के पहाड़ी थाने में विवाहिता से दहेज के खातिर मारपीट कर फोन पर 3 तलाक देने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद गहनता से मामले की जांच में जुट गई है। पहाड़ी थाना अधिकारी सुनील गुप्ता ने बताया कि अस्मा पुत्री जमील पत्नी शकील मेव निवासी पंचगावा थाना तावड़ू हाल आबाद गंगोरा ने मामला दर्ज कराया है कि पीड़िता का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पंचगावा हरियाणा निवासी शकील के साथ हुआ। विवाह के बाद से ही पीड़िता से ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उक्त दहेज से पीड़िता का पति शकील मिशन पत्नी जुम्मा अख्तर सन्नी सोवलिया पुत्री जुम्मा खुश नहीं थे। 26 मार्च को सभी नामजद आरोपियों ने एक राय मशविरा कर जान से मारने की नीयत से मारना पीटना शुरू कर दिया। पति ने पीड़िता के गर्भाशय पर लात घूंसों से हमला कर घायल कर दिया। पीड़िता गर्भवती है, गर्भाशय पर हमले से वो घायल हो गई। साथ ही जिसके बाद पति शकील द्वारा पीड़िता से 3 बार तलाक तलाक बोल दिया। फिर भी पीड़िता के परिजनों ने रिश्ता बनाने के प्रयास किए, परंतु पति शकील ने 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता की चोटों का मेडिकल करा कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि मेवात क्षेत्र में फोन पर तलाक देने का यह दूसरा मामला पहाड़ी थाने पर दर्ज हुआ है। आज परिवादी आसमा जो कि गंगोरा के जमील की लड़की है, उसने अपनी बड़ी बहन रफीकर में अपने चाचा जुबेर के साथ थाने पर उपस्थित होकर अपने पति शकील व शकील व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज को लेकर क्रूरता करने एवं फोन पर तलाक देने के संबंध में दर्ज कराया। प्रकरण दर्ज करके परिवादी अनुसंधान से तलाक दी है ना, 3 बार और गाड़ी दी, फिर गाड़ी दी, तलाक की मोटरसाइकिल मांगे, दहेज मांगो और भैंस मांगे, भैंस ले आयो और कहना मोटरसाइकिल ले आयो, 1 लाख रुपये ले आयो, जब जब कहना जब और सचो बोल, मैं मारियो और लाशरी की दे पेट में चीज चल रही है, तलाक दे और तलाक दे, फिर मेरे भाई को फोन करो, मेरे भाई को फोन करो, फिर गाड़ी दी और फिर जब तलाक करी 3 बार तलाक करी, रिकॉर्डिंग हुई पड़ी मेरे मोबाइल और रिकॉर्डिंग हुई पड़ी मेरे भाई के मोबाइल, रिकॉर्डिंग हुई पड़ी मुश्ताक नाम का। तो इसी प्रकार कामा विधानसभा क्षेत्र की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे आरडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाकर खबरों को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।